हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पूरे वीक का रिवीजन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय सहायता देने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना। महिलाओं को राज्य सरकार से सीधे बैंक खाते में 1,000 रुपये प्रति महीने आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल 5 जून 2024 को वहां के हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बात करें बांग्लादेश की, तो राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के 2024 के सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म में दुनिया के 25 देशों के नेताओं का अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी जी पहले स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दूसरा स्थान मैक्सिकी राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओर्बोडोर को मिला है। तीसरा स्थान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को मिला है। इससे पहले फरवरी में 79% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने थे। बात करें रिपोर्ट और रैंकिंग की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, उसमें भारत का स्थान 82वां है और पहला स्थान सिंगापुर का। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की बात करें, 2024 में भारत से 4300 करोड़पति निकलकर दूसरे देश में बस जाएंगे। टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया था। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 की बात करें, तो भारत का स्थान है 10वां, पहला स्थान है रूस का। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की बात करें, तो भारत का स्थान है 39वां, पहला स्थान यूएसए का है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच को। गोल्डन स्लैम की बात करें, तो अगर कोई टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेता है, तो उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने टेनिस के मेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीत लिया है, स्पेन के कार्लोज अल्कारेज को हराकर। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। जोकोविच से पहले स्टेफी ग्राफ, आंद्रे अगासी, राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स गोल्डन स्लैम पूरा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर टिकट जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, लाओस। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लाओस की राजधानी वियतियाने में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अयोध्या रामलला के पहले डाक टिकट का अनावरण किया है। एस जयशंकर जी और लाओस के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सलीम के कोमासित ने संयुक्त रूप से डाक टिकटों के 2 सेटों का अनावरण किया। एक स्टाम्प में अयोध्या के रामलला की मूर्ति को दिखाया गया है और दूसरे स्टाम्प पर भगवान बुद्ध का स्मरण लुआंग प्रभांग से किया गया है, जो लाओस की प्राचीन राजधानी है। इस स्टाम्प का विषय है लाओ पीडीआर और भारत की साझा संस्कृति विरासत का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 3 देशों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमार लेस्ते की यात्रा पर गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यात्रा के पहले चरण में 5 से 7 अगस्त तक फिजी में रही। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी फिजी के राष्ट्रपति कैटोनिवेर और प्रधानमंत्री सीतीवेनी राबुका के साथ बैठक की। राष्ट्रपति मुर्मू जी यात्रा के दूसरे चरण में 8 और 9 अगस्त को न्यूजीलैंड में रही और अंतिम चरण में राष्ट्रपति जी 10 अगस्त को तिमार लेस्ते जाएंगी। तिमार लेस्ते को आसियान की सदस्य स्वीकार किया जा चुका है।
आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते होगा और 10 सदस्य हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, असम को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, ई समन और न्याय श्रुति ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी के द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन ऐप लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ के 3 नए आपराधिक कानून BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया है। श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण की बात कही थी, जिनमें से एक था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि BNS, BNSS और BSA जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए गए कानून हैं। इन 3 नए कानूनों में भारत की मिट्टी की सुगंध है और हमारा न्याय का संस्कार है। अमित शाह जी ने कहा कि इन कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य लोगों को न्याय देना है, इसलिए दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता है। ई साक्ष्य के तहत सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई एविडेंस सर्वर पर सेवा की जाएंगी। ई समन के तहत सभी साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोर्ट से पुलिस स्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसे समन भेजा जाना है। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, अभियोजना और जेल आपस में जुड़े हुए होंगे। न्याय श्रुति के तहत न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई करेगा। 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता BNS जिसमें 358 धाराएं हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जिसमें 531 धाराएं हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जिसमें 170 प्रावधान हैं। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, दिसंबर 2023 में संसद में पारित किए गए थे। ये 3 नए कानून IPC भारतीय दंड संहिता, CRPC आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर ने बनाया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उज्जैन में। महाकाल लोक के पास शक्ति पथ पर 5 अगस्त को 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया था और इसके साथ ही उज्जैन का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले 2021 में 488 लोगों के द्वारा एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड फेडरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के नाम दर्ज किया गया था। सन 2000 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आएगा, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए SBI के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य है राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। यह समझौता 3 साल के लिए प्रभावी होगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के CM ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, उपस्थिति पोर्टल। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले सभी डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने में मदद मिलेगी। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल की, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकपत मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 UP पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नो योर कैंडिडेट ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनी टू इंडिया ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। उल्लास ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, NCDC के द्वारा। NCDC की फुल फॉर्म होती है नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NCDC राष्ट्रीय सहकारी विभाग निगम के द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य है NCDC के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय आधिकारिक गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में। तेलंगाना सरकार के द्वारा अभय हस्तम योजना शुरू की गई है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी योजना लॉन्च की गई है। पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजना शुरू की गई है। नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा NTR भरोसा पेंशन स्कीम योजना शुरू की गई है। असम सरकार के द्वारा गवाह संरक्षण योजना लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू की गई है। लद्दाख के द्वारा उल्लास योजना शुरू की गई है। तेलंगाना सरकार के द्वारा रायथू भरोसा योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 920 करोड़। नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इसका उद्देश्य है गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। नमामि गंगे भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की सफाई और पुनर्जीवन के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक हिस्सा है। यह मिशन प्लास्टिक और मलबे जैसे तैरते ठोस कचरे को हटाने के लिए नदी की सतह की नियमित सफाई पर केंद्रित है। नमामि गंगे मिशन 2014 में गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 IOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा। 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 IOS 8 लॉन्च करेगा। रॉकेट का नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। IOS 8 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है। बात करें रिमोट सेंसिंग की तो पृथ्वी पर होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करेगा और इसका द्रव्यमान है 175.5 kg लगभग है। इसे 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्क्यूलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और इस रॉकेट के कार्य हैं, आपदा निगरानी करेगा, पर्यावरण की निगरानी करेगा, बिजली संयंत्र आपदा की निगरानी करेगा, ज्वालामुखी गतिविधियों का अवलोकन करेगा, समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी का आंकलन करेगा और बाढ़ का पता लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। इसरो की चंद्रयान 3 टीम ने पहला विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेता को एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जिसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न, इसमें लगभग 3 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान श्री, इसमें 25 लोगों को दिया जाता है। विज्ञान युवा, इसमें भी लगभग 25 लोगों को दिया जाता है। और विज्ञान टीम, यह 3 टीमों को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध का संचालन कैसे करना है इसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यह क्षेत्र भारत चीन सीमा के करीब स्थित है और यह अभ्यास 15 दिनों से अधिक दिन तक चलेगा। इस अभ्यास में सेना की विभिन्न शाखाओं ने हिस्सा लिया है जिनमें से पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाना और सहायक इकाइयां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किस देश ने जीती है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, भारत। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने नेपाल को हराकर चौथी कावा मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग अपने नाम किया है।
7 अगस्त 2024 को फाइनल नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में खेला गया था और यह भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा कावा खिताब था। भारत की शालिनी को प्रतियोगिता में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ईरान को कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या राज्यों में अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ई, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब राज्य में। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी जी ने यह जानकारी दी है कि पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है। बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की, कि ये क्या है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में लागू किया गया था और इसमें संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 क। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने 86वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 4th ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यह मेडल भारत ने स्पेन को हराकर जीता है। अब तक भारत ने हॉकी में कब स्वर्ण पदक जीता है? 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 में। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कितने कांस्य पदक जीते हैं और कब जीते हैं? भारतीय हॉकी टीम ने 4 कांस्य पदक जीते हैं, 1968 में, 1972, 2020 और 2024 में। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेसलिंग। रेसलर विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2019 में लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया था और इस पुरस्कार के लिए नामांकन पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2020 में भारत के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम अनाज वितरण मशीन लॉन्च की गई है। यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकती है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवेलियन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाला भारत का तीसरा प्लेयर है। नीरज चोपड़ा से पहले रेसलर सुशील कुमार और स्कलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।